नमस्ते दोस्तों, मैं हूं राहुल पटेल और स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जिस तरह से मेरे पिछले वीडियोस है उस तरह से आज का वीडियो भी बढ़िया बनने वाला है। आपके लिए एक बढ़िया टॉपिक लेकर के आया हूं। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे नहीं होंगे तो आप जाकर के देख सकते हो, आपको आपके करियर के बारे में बढ़िया जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों दोस्तों आज भी बढ़िया टॉपिक है। ओके, कुछ दिनों से मेरे कुछ वीडियोस पे कमेंट कर रहे थे कुछ लोगों से, मुझे कमेंट कुछ स्टूडेंट जो है उन्होंने मुझे कमेंट की थी कि सर जी मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, उसके बाद में मुझे CAD के कोर्सेज करने हैं, तो किस तरह का स्कोप है, क्या जॉब मिलेगी क्या। यस, और आपको बता दूं कि आज का जो वीडियो है खास करके मैकेनिकल इंजीनियर्स के स्टूडेंट्स के लिए है। ओके, जिन्होंने पी या बीटेक जो भी कंप्लीट किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। ओके, और जो स्टूडेंट्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद में CAD में जाना चाहते हैं, डिजाइन इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, ओके, डिजाइन फील्ड में जॉब करना चाहते हैं, तो उनके लिए आज का एक बढ़िया टॉपिक है, बढ़िया वीडियो है। तो वीडियो को स्किप मत करना दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखना स्टार्ट टू एंड तक। ओके, तो कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट की थी कि सर जी मुझे CAD के कोर्सेज करने हैं, तो उसके बाद में मुझे जॉब मिलेगी, कैसा स्कोप है, ओके, कौन कौन से कोर्सेज में कर सकता हूं। तो दोस्तों मैं आज आपको बता दूं कि आगे किस तरह की इंप्रूवमेंट हो रही है मार्केट में, खास करके हम इंडस्ट्री की बात करेंगे, क्योंकि मैं मेरे इस चैनल में वही बताता हूं जो इंडस्ट्री में चल रहा है। दोस्तों इंडस्ट्री में जिस तरह की रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट है, इंजीनियरिंग की किन स्टूडेंट्स की किस स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, उसी स्किल्स के बारे में हमेशा बात करता हूं मैं। ओके, तो आज भी उसी के बारे में बात करने वाला हूं। तो दोस्तों आपको बता दूं, अभी हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएंगे दोस्तों, थोड़ा सा बेसिक लेवल से हम बात करेंगे कि भैया पहले क्या होता था कि देखो जो ड्राइंग बनाते थे, जो हम बात करेंगे 90s में वगैरह, तो ड्राइंग जो बनाते थे इंजीनियरिंग कंपनीज में, तो बड़ी बड़ी शीट्स पे ड्राइंग बनाते थे, तो उसके लिए 2 दिन 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता या 1 महीना भी लग जाता था बड़े बड़े ड्राइंग्स बनाने के लिए, लेआउट बनाने के लिए। ओके, क्योंकि वो हाथ से अपने मैन्युअली ड्राइंग बनाते थे शीट पे। ओके, उसके बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होने लगा। और आपको एक बता दूं कि कंपनीज में, इंडस्ट्री में हमेशा इंप्रूवमेंट होती रहती है दोस्तों। ओके, वो डिजाइनिंग में हो गई, मैन्युफैक्चरिंग में हो गई, जो भी प्रोसेस है इंडस्ट्री में चलती है उसमें धीरे धीरे इंप्रूवमेंट तो हमेशा होती ही है। जिस तरह से वो ड्राइंग मैन्युअली बनाते थे, उसके बाद में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ, फिर 2D सॉफ्टवेयर्स निकले, जैसे कि हम ले सकते हैं कि हमारा जो ऑटोकैड है, ओके, वो 2D सॉफ्टवेयर निकला उस टाइम पे। ओके, तो 2D सॉफ्टवेयर निकलने के बाद में अभी क्या हुआ कि मार्केट में 2D सॉफ्टवेयर की डिमांड बढ़ने लग गई, जो मतलब जो इंजीनियर्स जिनको 2D सॉफ्टवेयर आता है, ऑटोकैड चलाना आता है, उन इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट मार्केट में बढ़ने लगी उस टाइम पे। ओके, तो क्या हुआ कि जिनको ऑटोकैड आता था उनको जॉब जल्दी से मिलने लग गई। ओके, क्योंकि थोड़ा सा ऑटोकैड सीख लिया, उसके बाद में जल्दी से जॉब मिल गई, इस तरह की रिक्वायरमेंट कंपनीज में आती थी, तो ये कुछ साल तक ये चलने लग गया। ओके, 2D इंजीनियर्स को जॉब मिल जाती थी, आसानी से जॉब मिल जाती थी जिनको ऑटोकैड आता है। उसके बाद में क्या हुआ, फिर से इंप्रूवमेंट हुआ। ओके, कुछ साल के बाद में, क्योंकि हमेशा इंप्रूवमेंट होता रहता है, मैं बता रहा हूं आपको, तो फिर से इंप्रूवमेंट हुआ। उसके बाद में कुछ 3D सॉफ्टवेयर्स आए। ओके, हम जो आज यूज कर रहे हैं, मतलब जो सॉलिड वर्क्स हो गया, सॉलिड एज हो गया, ओके, कटिया, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स है, 3D सॉफ्टवेयर, NX हो गया। ओके, मतलब ऑटोमोबाइल के अलग सॉफ्टवेयर है, ऑयल एंड गैस में करते हो तो अलग सॉफ्टवेयर है, तो ऑटोमोबाइल में ज्यादातर के कटिया NX वगैरह यूज करते हैं, प्रो यूज करते हैं। ओके, और अगर आप ऑयल एंड गैस सेक्टर में जाते हो, ओके, तो वहां पे सॉलिड वर्क, सॉलिड एज ज्यादा यूज होता है दोस्तों। ओके, NX भी यूज होता है। तो इस तरह से 3D सॉफ्टवेयर्स निकलने लग गए धीरे धीरे। ओके, तो बाद में क्या हुआ, 3D सॉफ्टवेयर्स मार्केट में आने के बाद में उन इंजीनियर्स की डिमांड ज्यादा बढ़ गई जिनको ये 3D सॉफ्टवेयर्स ऑपरेट करना आता था। ओके, आप थोड़ा समझ रहे हो ना किस तरह का इंप्रूवमेंट हो रहा है। ओके, पहले तो ड्राइंग मैनुअली बनता था, उसके बाद में ऑटोकैड आ गया। ओके, फिर ऑटोकैड आने के बाद में 3D सॉफ्टवेयर आ गया, फिर इंजीनियर्स की डिमांड बढ़ने लगी कि जिन्होंने अभी क्या बाद में क्या होने लग गया कि इंजीनियरिंग करने के बाद में जो लोग स्टूडेंट्स थे वो कोर्स करने लगे। ओके, 2 मंथ 3 मंथ जो भी कोर्स किया, CAD का कोर्स किया, और उसके बाद में कंपनीज में रिक्वायरमेंट आने लगे कि भाई हमको यस CAD ऑपरेटर चाहिए। ओके, अभी भी वैसे रिक्वायरमेंट होती है स्टूडेंट्स की, ओके, जिनको CAD अच्छे से ऑपरेट कर सकते हैं। ओके, जिनको CAD का नॉलेज है, कटिया का नॉलेज है, सॉलिड वर्क्स का नॉलेज है, जो भी 3D सॉफ्टवेयर है उनका नॉलेज है, तो उनको जॉब मिल जाती है, समझो दोस्तों। ओके, तो ऐसा अब तक हो रहा था, मतलब हो भी रहा है, लेकिन हम बात करेंगे कि आगे आने वाला जो फ्यूचर है वो कौन से फील्ड में आने वाला है, क्योंकि आने वाला फ्यूचर दोस्तों CAD में होगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो चुका है, अभी धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो हम बात करेंगे दोस्तों, अगर आपने सुना होगा या नहीं भी सुना होगा किन स्टूडेंट है, तो CAD कस्टमाइजेशन, यस, CAD कस्टमाइजेशन इज द फील्ड, अभी जो ऐसी फील्ड है अभी आने वाले समय में उसकी बहुत डिमांड बढ़ रही है दोस्तों। पॉइंट टू बी नोटेड, CAD कस्टमाइजेशन, यस, इसकी बहुत रिक्वायरमेंट हो रही है दोस्तों। आप अभी भी सर्च कर सकते हो गूगल पे, CAD कस्टमाइजेशन हमेशा रिक्वायरमेंट होती है मार्केट में, जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज है, हम छोटी कंपनीज की बात नहीं कर रहे। अगर आप चाहते हो कि मुझे बड़ी कंपनीज में जॉब करनी है, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करनी है, तो आपके लिए दोस्तों CAD कस्टमाइजेशन आपको अभी आना चाहिए। यस दोस्तों, रिक्वायरमेंट आ रही है, अभी बहुत सारी वैकेंसीज निकल रही है CAD कस्टमाइजेशन। अगर आपने
बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी जो भी है, बीई, बीटेक, एमटेक, आपने अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है, ओके, तो आपके लिए दोस्तों बढ़िया ऑप्शन है। अभी क्या हो रहा है कि आप अगर आप बस 3D सॉफ्टवेयर करते हो, 3D ऑपरेटिंग आप सीखते हो, मतलब कटे आपने कोर्स कर लिया, ओके, प्रो ही आपने कोर्स कर लिया, सॉलिड वर्क्स आपने कोर्स कर लिया, उसके बाद में आपको थोड़ा आपको जॉब तो मिल जाएगी, ओके, कोई भी कंपनी में आपको जॉब मिल जाएगी CAD ऑपरेटर, एज ए CAD ऑपरेटर। लेकिन अभी हो सकता है कि आपको मतलब उस लेवल की सैलरी ना मिले, क्योंकि अभी CAD ऑपरेटर्स जो है, इंजीनियर्स जो अभी मतलब हर एक इंजीनियर जो है वो डिजाइन फील्ड में जाना चाहता है, ओके, वो CAD सीख लेता है, उसके बाद में डिजाइन फील्ड में उसको जॉब मिल जाती है। मतलब बहुत सारे इंजीनियर्स अवेलेबल है दोस्तों जिनको CAD आता है, ऑपरेट करना आता है, ओके, लेकिन CAD कस्टमाइजेशन ऐसी फील्ड है उसमें दोस्तों बहुत रिक्वायरमेंट है, और जो इंजीनियर्स है वो बहुत कम है जिनको CAD कस्टमाइजेशन आता है, क्योंकि कुछ इंजीनियर्स को तो पता ही नहीं है कि CAD कस्टमाइजेशन जैसी भी फील्ड है। तो आपको हम थोड़ा सा बात करेंगे कि CAD कस्टमाइजेशन क्या है, कि हम जो CAD अभी क्या है कि आप CAD सीखने के बाद में किसी कंपनी में जॉब करते हो तो 3D में हम काम करते हो, कोई भी प्रोडक्ट बनाना है, ओके, कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है तो उसको हम 3D में बनाते हैं, ओके, 3D 2D जो भी हो गया, तो 3D में उसको बनाते हैं, असेंबल करते हैं, हर एक कंपोनेंट हमको असेंबल करना पड़ता है और एक प्रोडक्ट हम बनाते हैं लास्टली, जो एंड में जो बनता है प्रोडक्ट बनता है। लेकिन क्या होता है कि उसके लिए हो सकता है उसके 4 घंटे लग जाए, 8 घंटे लग जाए, 15 घंटे लग जाए, ज्यादा भी हो सकता है जिस तरह का आपका प्रोडक्ट है, ओके, तो उसको असेंबली करने के लिए ज्यादा समय लगता है, ओके, मैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, ओके, और आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि आई हैव 9 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द डिजाइन फील्ड, मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड, आई एम मैकेनिकल इंजीनियर, ओके, तो मुझे पता है कि किस तरह का टाइम लगता है, मैंने भी CAD फील्ड में ही जॉब किया है, ओके, तो लेकिन क्या होता था कि अभी कंपनीज को क्या होता है कि कोई भी काम है, कोई भी प्रोजेक्ट है, वो चाहते हैं कि हमेशा जल्दी से जल्दी हो जाए, है ना, कोई भी काम जल्दी से जल्दी हो रहा है, अगर आप कोई इंजीनियर है कोई भी काम जल्दी से कर दे रहा है तो कंपनीज के लिए अच्छा होता है, ओके, और इंजीनियर्स के लिए भी अच्छा होता है इंप्रूवमेंट के लिए, ओके, तो कंपनीज अभी क्या कर रही है कि CAD कस्टमाइजेशन वो ला रही है अपने कंपनी में। CAD कस्टमाइजेशन यानी कि आपको क्या करना है कि ऑटोमेशन करना है CAD का, मतलब आप जो भी असेंबल करते हो, जो भी प्रोडक्ट बनाते हो CAD सॉफ्टवेयर में, कोई भी 3D सॉफ्टवेयर में आप असेंबल बनाते हो, तो वो ऑटोमेटिकली अगर आपको 8 घंटे लगते हैं उस 3D सॉफ्टवेयर असेंबली को बनाने के लिए, तो अगर आप CAD कस्टमाइजेशन किया, ऑटोमेशन किया, तो आपको बस 10-15 मिनट ही लगेंगे बस, यस दैट्स इट, आपको बहुत कम समय में 10-15 मिनट उससे ज्यादा नहीं, उसी समय में आप बड़ी बड़ी असेंबलीज बना सकते हो दोस्तों CAD कस्टमाइजेशन के थ्रू। यस, आपको क्या करना है कि थोड़ा सा ऑटोमेशन सीखना है, और यस आपको मैं बता दूं कि इसमें कौन कौन सी स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है CAD कस्टमाइजेशन में। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो कि अभी हम फिलहाल देखेंगे तो आईटी फील्ड में थोड़ा सा बूम है, ओके, बहुत सी रिक्वायरमेंट है और बहुत सारे इंजीनियर्स जो है, हर एक फील्ड के इंजीनियर जो आईटी का कोर्स कर लेते हैं 2-3 मंथ का और आईटी में जा रहे हैं, आईटी सेक्टर में। और हम खास करके बात करेंगे मैकेनिकल इंजीनियर्स की। अभी क्या होता है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपने की है, उसके बाद में अगर आप आईटी में जाना चाहते हो तो थोड़ा सा माइंड सेट पूरा आपको चेंज करना पड़ेगा, है ना, मैकेनिकल इंजीनियर टू आईटी सेक्टर, तो दैट इज वेरी डिफरेंट फील्ड, ओके, तो आपको पूरा जीरो से लेकर एंड तक आपको सीखना पड़ेगा। लेकिन ये CAD कस्टमाइजेशन दोस्तों ऐसी फील्ड है, मतलब आपको आपका डोमेन भी नहीं छोड़ना है, आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग डोमेन भी नहीं छोड़ना है और आप आईटी में भी जा सकते हो। तो आप बोलोगे सर जी ये कैसे आप बता रहे हो, तो मैं बता दूं CAD कस्टमाइजेशन में आपको आप जो सी लैंग्वेज है आईटी सेक्टर में, जो सी लैंग्वेज या C++ जो है, सी शार्प लैंग्वेज, वो आपको आना चाहिए दोस्तों CAD कस्टमाइजेशन सीखना। आपको तो 3D सॉफ्टवेयर सीखने ही है, मतलब जो भी हो, मतलब आप सॉलिड वर्क सीख सकते हो, सॉलिड एज सीख सकते हो, या कटिया सीख सकते हो, प्रोई सीख सकते हो, NX सीख सकते हो, यूनिग्राफिक सीख सकते हो, जो भी है आपको वो तो सीखना ही है, वो सीखना ही है आपको CAD कस्टमाइजेशन के लिए। लेकिन उसके बाद में आपको सी शार्प सीखना है, सी लैंग्वेज सीखना है, ओके, मतलब आप एक समझ रहे हैं ना आप, मतलब आपको CAD प्लस आपका जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो प्लस दोनों को मिला के आप अगर आप ये स्किल आपके पास में होते हैं CAD प्लस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लैंग्वेज, ओके, तो आप भैया CAD कस्टमाइजेशन की वैकेंसी के लिए बढ़िया इलिजिबल हो, यस, और आपको बढ़िया पैकेज मिलेगा दोस्तों, बस आपको ये स्किल्स आप में डेवलप करने हैं, ओके, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हो तो आपको CAD तो आसानी से आ जाएगा, मुझे पता है, ओके, CAD सीखना इतनी कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, ओके, एक हफ्ते में भी सीख सकते हैं, एक महीने में भी सीख सकते हैं, ओके, सीखने वाले पे डिपेंड है, लेकिन इट इज इजी, CAD सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यस अगर आप CAD के साथ में सी लैंग्वेज सीखते हो, ओके, सी शार्प लैंग्वेज सीखते हो, जावा सीखते हो, ओके, पाइथन सीखते हो, तो आपको भैया CAD कस्टमाइजेशन फील्ड इज आपके लिए बेस्ट है, मतलब आपको आपका डोमेन भी नहीं छोड़ना है, आपको डिजाइन में ही रहेगा आपका जो फील्ड है आने वाला फील्ड, ओके, आपका करियर डिजाइन में ही रहेगा, लेकिन प्लस CAD कस्टमाइजेशन प्लस प्रोग्रामिंग भी रहेगा, तो सोचो भैया अगर आपको CAD भी आता है, प्रोग्रामिंग भी आता है, तो मार्केट में कितनी सारी रिक्वायरमेंट होगी, है ना, तो मार्केट में बहुत सारी रिक्वायरमेंट है जिनको अभी अगर आप गूगल पे सर्च करोगे कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ CAD कस्टमाइजेशन इंजीनियर्स, तो आपको बहुत सारी वैकेंसीज मिल जाएंगे दोस्तों,
ओके तो आपको थोड़ा सा समझ में आ गया कि व्हाट इज कैड कस्टमाइजेशन। तो मैं चाहता हूँ कि दोस्तों अभी आने वाला फील्ड जो है, आने वाला कंपनीज में जो रिक्वायरमेंट है वो भैया कैड कस्टमाइजेशन की ही होने वाली है, क्योंकि हर एक कंपनी चाहती है कि उनका जो प्रोडक्ट है वो ऑटोमेट हो जाए। ओके ऑटोमेशन लाने के लिए सोच रहे हैं भाई, आने वाला फ्यूचर रोबोटिक्स में होने वाला है दोस्तों, है ना, रोबोटिक्स में बहुत डिमांड आने वाली है, तो कैड कस्टमाइजेशन आल्सो वन पार्ट ऑफ रोबोटिक्स। ओके ऑटोमेशन रोबोटिक्स, तो अगर आप सीखते हो तो आने वाला भैया करियर एकदम बढ़िया बनने वाला है आपको, बस ये आप सीख लो, थोड़ा सा आपको पेशेंस की जरूरत है। ओके और कैड कस्टमाइजेशन की कोर्सेज भी अवेलेबल है, अगर आप थोड़ा सा ज्यादा जानकारी चाहते हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको ज्यादा जानकारी जरूर दे दूंगा कि कहां से आप ये कोर्स कर सकते हो, किस तरह के कोर्स कर सकते हो, किस तरह की फीस वगैरह है। ओके तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, ओके मैं आपको रिप्लाई आपको जरूर मिल जाएगा। ओके और दूसरी जो बात है, कैड कस्टमाइजेशन के बाद में एक और एक रिक्वायरमेंट आ रही है दोस्तों मार्केट में, वो है पीएलएम सॉफ्टवेयर की, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। ओके अगर आपने सुना होगा या नहीं भी सुना होगा तो पीएलएम की दोस्तों बहुत रिक्वायरमेंट है ना। अगर आपने सुना होगा कि अब आप बोलोगे सर पीएलएम क्या है, तो पीएलएम एक्चुअली इट इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, मतलब जो भी आप प्रोडक्ट बनाते हो 3D सॉफ्टवेयर में हो गया, जो भी है प्रोडक्ट बनाते हो, तो उस प्रोडक्ट को स्टार्ट टू एंड तक पूरा इंटीग्रेट करना है एक प्लेटफॉर्म पे। ओके एक प्लेटफॉर्म पे ला करके उसको रखना है, पूरा प्रोसेस जो है, मतलब डिजाइन हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, पूरा जो प्रोसेस है एंड तक उसका, तो उसको पूरे एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना है, तो उस प्लेटफॉर्म को बोलते हैं पीएलएम, यस प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। उस प्रोडक्ट का पूरा मैनेजमेंट उस सॉफ्टवेयर में होता है दोस्तों, तो उसको बोलते हैं पीएलएम। ओके और खास करके अभी मार्केट में जो है वो टीम सेंटर की रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ रही है, अगर आपने सुना नहीं होगा थोड़ा सा सर्च कर सकते हो टीम सेंटर के बारे में। ओके टीम सेंटर इज अ पीएलएम सॉफ्टवेयर, अगर आप टीम सेंटर सीख लेते हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद में, तो भैया जॉब तो आसानी से मिल जाएगी, मैं आपको 100% गारंटी देकर के कहता हूं कि अगर आप पीएलएम सीखते हो, टीम सेंटर आपको आता है और उसमें भी आप पीएलएम कस्टमाइजेशन अगर सीख लेते हो, कस्टमाइजेशन में यही आपको सीखना है, आपको थोड़ा सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए और उसके बाद में आपको ये टीम सेंटर का नॉलेज होना चाहिए, ऑपरेटिंग नॉलेज, तो ये दोनों मिलाकर के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्लस टीम सेंटर, ओके पीएलएम सॉफ्टवेयर, तो मार्केट में बहुत रिक्वायरमेंट है। सीमेंस का एक्चुअली आपको ऑनलाइन सीमेंस के कोर्सेस मिल जाएंगे टीम सेंटर पीएलएम के, ओके टीम सेंटर कस्टमाइजेशन के, तो आप थोड़ा सा गूगल पे सर्च कर लीजिए, यस आपको अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो प्लीज कमेंट कीजिए, ओके तो आपको जरूर इसका आंसर मिल जाएगा। तो कैड कस्टमाइजेशन प्लस पीएलएम कस्टमाइजेशन, टीम सेंटर कस्टमाइजेशन, इसकी रिक्वायरमेंट अभी मार्केट में बहुत ज्यादा है दोस्तों। अगर आप चाहते हो कि आपका करियर बढ़िया बन जाए, अगर आप चाहते हो कि मुझे आईटी सेक्टर में नहीं जाना है, मुझे मेरे डोमेन में ही रहना है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड में ही रहना है, लेकिन वो आईटी लेवल का होना चाहिए, उस लेवल की सैलरी मुझे मिलनी चाहिए दोस्तों, यस तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट करियर ऑप्शन है दोस्तों, यस क्योंकि कैड कस्टमाइजेशन जो है, पीएलएम कस्टमाइजेशन वगैरह, इनको बहुत सैलरी मिल जाती है दोस्तों, यस क्योंकि क्या है मार्केट में रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है और इंजीनियर्स बहुत कम है, ऐसे बहुत कम इंजीनियर्स है जिनको कैड भी आता है और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आता है, ऐसे कंप्यूटर इंजीनियर्स तो अवेलेबल है कि जिनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता है लेकिन उनको कैड नहीं आता, आप समझ रहे हो ना, उनको कैड नहीं आता बस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता है, लेकिन कंपनीज में रिक्वायरमेंट ऐसे है कि कैड भी आना चाहिए और प्रोग्रामिंग भी आना चाहिए, तो कैड तो भैया मैकेनिकल इंजीनियर आसानी से सीख लेते हैं, वो आईटी वाले जो है वो सीख नहीं सकते, वो सीखते ही नहीं, उनको इंटरेस्ट ही नहीं होता, लेकिन मैकेनिकल इंजीनियर जो है वो कैड भी सीख सकते हैं और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सीख सकते हैं, तो दोनों भैया कॉम्बिनेशन अगर आपको आता है तो आपके लिए बढ़िया ऑप्शन है। ओके आप पॉइंट नोट कर लीजिए, कैड कस्टमाइजेशन प्लस पीएलएम कस्टमाइजेशन, टीम सेंटर कस्टमाइजेशन की बहुत सारी रिक्वायरमेंट है, आईटी फील्ड्स में भी रिक्वायरमेंट है, जो बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज है, इन्फोसिस वगैरह, टाटा टेक्नोलॉजी, ओके इन कंपनीज में भी भैया कैड कस्टमाइजेशन प्लस टीम सेंटर पीएलएम की रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों। आपको सैलरी, अगर आप फ्रेशर हो और अगर आपको आपके पास में पूरा स्किल है इसमें, तो भैया आपको बता दूं मैं 5-6 लाख का पैकेज आपको आराम से मिल जाएगा, ज्यादा भी मिल सकता है, अगर आप कोई बढ़िया आईटी कंपनीज में अगर आपको जॉब मिलती है इस फील्ड में, तो आपको भैया ज्यादा पैकेज मिल सकता है, 9-10 लाख भी मिल सकता है एज ए फ्रेशर, यस अगर आप में आपके पास में एक्सपीरियंस है, अगर आपने समझो 1-2 साल डिजाइन में काम किया है, कैड एज ए कैड ऑपरेटर आपने काम किया है डिजाइन फील्ड में, अगर आप ये कोर्स कर लेते हो और ये बता दो आपको ये कोर्स जो है 3 मंथ का भी अवेलेबल है, 1 मंथ का भी अवेलेबल है, 6 मंथ का भी अवेलेबल है, ओके तो ये 2-3 मंथ में अगर आप सीख लेते हो, ओके थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हो, इसमें प्रैक्टिस बहुत जरूरी है क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियर्स को थोड़ा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है, ओके वो थोड़ा सा मतलब मुश्किल हो सकता है, लेकिन इट इज ईजी अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो वो आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर आपको जॉब मिलती है, अगर आप कोर्स करने के बाद में इसे अप्लाई करते हो, अगर सिलेक्शन हो जाता तो बढ़िया पैकेज आपको मिल जाएगा, डोंट वरी, ओके और 2-3-4-5 साल में अगर आप इस फील्ड में काम करते हो तो भैया पैकेज आपका जो आईटी लेवल आईटी स्टूडेंट्स का जो पैकेज होता है 12-15-20 लाख उस लेवल का पैकेज इसमें मिलता है दोस्तों, यस मिलता है 100%। तो
दोस्तों मुझे तो लगता है मैंने बढ़िया जानकारी आपको दे दी है। अगर आप चाहते हो कि मेरा मेरा जो फ्यूचर है वो बढ़िया बन जाए, ओके, मैंने तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है लेकिन मुझे बढ़िया सैलरी चाहिए, मेरा फ्यूचर एकदम ग्रो होना चाहिए, ओके, और मैं आईटी फील्ड में जाना चाहता हूँ, मतलब आईटी प्लस मेरे डोमेन में रहना चाहता हूँ, तो दोनों डोमेन मिला के आईटी प्लस मैकेनिकल फील्ड मिला के क्या कस्टमाइजेशन फील्ड है, ओके, पीएलएम फील्ड है, तो आप चाहते हो कि बढ़िया आपको सैलरी मिले, बढ़िया आपका करियर बन जाए, तो आपके लिए ये बढ़िया ऑप्शन है, ओके। तो मुझे तो लगता है बढ़िया जानकारी आपको मिल गई है। तो आपको वीडियो कैसे लगा दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस है, आप ज्यादा जानकारी चाहते हो कुछ, तो आप कमेंट करना मत भूलना, दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, यस, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर देना, क्योंकि आने वाले समय में आपको ऐसी अच्छी खासी वीडियोस आपको मिलेंगे, अच्छी खासी जानकारी मिलेगी आपके करियर के बारे में, करियर स्कोप के बारे में, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है उसके बारे में, आपके लिए बढ़िया जानकारी लेकर के आऊंगा दोस्तों, ओके। तो सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट, ओके। तो चलिए मिलते हैं एक बढ़िया वीडियो के साथ में, ओके, तब तक बाय बाय।